अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं पाक 22 न्यूज़ HD। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की तरफ से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ सरगोधा में खसूसी क्रैकडाउन जारी। 800 से ज़ायद चालान जबकि दर्ज मुकदमात की तादाद 300 से तजावज कर गई। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं सरगोधा से। हमारे नुमाइंदा सीनियर जर्नलिस्ट MS अहसानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद फैसल कामरान की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों समेत अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हालिया 3 रोज़ में 569 चालान कम उम्र ड्राइवरों और 318 चालान बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वाले के खिलाफ किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 3 रोज़ में 300 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज भी किया गया और चालान और मुकदमात के इंदराज के साथ साथ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बंद की जा रही हैं। DPO फैसल कामरान ने खुद नाकाबंदी पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान मुहिम का जायजा लिया। उनका कहना है कि वालदैन से आइंदा कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने के लिए देने की बाबत शॉर्टी बांड हासिल किए जा रहे हैं। इस मुहिम का मकसद कम उम्र और ला तजर्बा कार ड्राइवर की हौसला शिकनी करना है।